रब्बना आमीन। ये सवाल है, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात भी 12 रबीउल अव्वल को हुई है? एक कौल के मुताबिक 12 रबीउल अव्वल ही हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात शरीफा का दिन है और महीना तो यही है रबीउल अव्वल। इसी तरह विलादत शरीफा का महीना भी रबीउल अव्वल है, लेकिन जमहूर के अकीदे के मुताबिक 12 रबीउल अव्वल शरीफ मिलाद शरीफ भी है, विलादत शरीफा भी है, और 12 रबीउल अव्वल भी ही वफात शरीफा का दिन भी है और पीर ही का दिन भी है। तो पीर का दिन भी हमारे यहाँ दीन इस्लाम में मुबारक समझा जाता है मुख्तलिफ़ कामों के हवाले से भी। और अगर किसी के जहन में ये ख्याल आता है कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात शरीफा वो 12 तारीख को ही हुई, 12 रबीउल अव्वल को ही हुई, तो हम 12 रबीउल अव्वल को हुजूर की वफ़ात का गम नहीं मनाते मगर हुजूर की आमद की खुशियाँ मनाते हैं, तो इसका जवाब उलमा ने बहुत पहले मुख्तलिफ़ अंदाज से दे दिया है। और ख़ुलासा ये है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सारे अम्बिया किराम अपनी अपनी कब्रों में हयात जिस्मानी की तरह ज़िंदा हैं। ये अकीदा है अहल सुन्नत व जमात का मुत्तफ़िका अकीदा है, और बिलखुसूस सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हयातुन नबी कहलाते हैं, यानी कि अल्लाह ताला ने उनको वफात शरीफा जो अता फरमाई वो अपने वादे के पूरा करने के लिए अता फरमाई, और फिर अल्लाह तबारक व ताला ने उनको हयात जिस्मानी अता फरमाई, और वो अपनी कब्र अनवर में उसी तरह जैसे कि हयात ज़ाहिरी में थे उसी तरह आज अपनी कब्र अनवर में तशरीफ फरमा हैं, आराम फरमा हैं, और उम्मत के अहवाल को मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं, उनके दरूद व सलाम को सुन रहे हैं। तो इसलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात शरिया का कोई गम नहीं करता। वजह उसकी यही है कि हुजूर तो हयातुन नबी हैं, और उनकी जो आने पर अल्लाह ताला ने जो गुमराही को दूर फरमाया और जो जुल्मत को दूर फरमाया, कुफ्र व शिर्क को दूर फरमाया, उसकी खुशियाँ जो हैं वो मुकद्दम हैं, वो फौकियत रखती हैं। इसलिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद मुबारक जो है वो ज़्यादा खुशी का बाइस है, यानी उस पर खुशी हो रही है। वजह उसकी यही है कि हुजूर की आमद शरीफा जो है वो इसलिए खुशियों का बाइस है कि हुजूर की आमद कोई मामूली आमद नहीं है, हुजूर की तशरीफ़ आवरी किसी आम बंदे की तशरीफ़ आवरी नहीं है। हुजूर की तशरीफ़ आवरी पर फरिश्ते खुशी मनाएं, जिन्नात खुशी मनाएं, इंसान खुशी मनाएं, और बड़े बड़े वाक़यात हुजूर के तशरीफ़ आवरी पर रुनमा हो जो कि आपने तारीख़ में सुने होंगे, तो फिर हुजूर की तशरीफ़ आवरी पर तो खुशी का मौका बनता है ना, ना कि हुजूर की वफ़ात का गम बनता है। तो इसलिए पूरे आलम में जितने बड़े बड़े अक्लमंद गुज़रे हैं और जो अकाबिर हमारे गुज़रे हैं उन सब ने मिलाद शरीफ को खुशी का दिन करार दिया है। अल्लाह तबारक व तआला नसीब फरमाए, आमीन।